What's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs. I hope you all are good and happy Janmashtami to you all. आज नहीं है, कल है, but आप लोगों के लिए आज है ना, तो इसलिए wish कर रहा हूँ happy Janmashtami to you all. Happy Janmashtami. कर दे. Happy Janmashtami. अभी मैं सुबह timely उठा, timely vlog भी डाल दिया, but मैं vlog को schedule करके सो गया. फिर क्या बोलता है, मम्मी पापा ने डांट मारी, उठो ट्यूशन है, मैं भूल गया ट्यूशन है, तो अभी ट्यूशन चली रही है साइड बाय साइड. अभी और ही कुछ अखबार का ना, कुछ पिज्जा टॉपिंग का कुछ आया है, पता नहीं क्या कूपन कोड है क्या, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एक बार. अखबार के साथ कर लेते हैं अनबॉक्सिंग में दी हुआ की फ्रेश कमाल एपिसोड में आज आपका स्वागत है. दिनों बाद हम एक एपिसोड बना रहे हैं और हमें आज पिज्जा टॉपिंग का अखबार में कुछ आया है. ये इन्होंने कितने लोगों को भेजा है, ये एक कूपन मिला बाय वन गेट वन फ्री का, और एक ही कूपन है रुजा वेज फीस्ट कॉम्बो का. एक ये है, एक ये है, ये दो कूपन हो गए. अब ये क्या है, ये जितने पहले खोल दिया, दो कूपन है. पिज्जा मिलेगा तो कूपन यूज करेंगे ना. हम इसकी पिज्जा पार्टी कर ले आज. सही रहेगा, जा कर 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 पापा को बोल. अभी कभी मना करती कर कर दिया पापा ने मना. ये कूपन्स की पार्टी हो सकती है? नहीं पता था, वो तो मना होना ही है, वो कौन सी नहीं बात है. आज राइड का प्लान है, अब देखता है कितना प्लान वो सक्सेसफुल रहता है. घर वाले आज राइड पे लेके चलेंगे. मेरी ना राइट टांग बहुत दर्द कर रही है, तो चल रहा हूँ ना थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है. तो टांग सो गए तो कुछ हुआ है वो ना सही हो जाएगी. एंड हाँ, फीवर नहीं है ज्यादा, मतलब अब आप बॉडी बॉडी एक फीवर वीवर कुछ नहीं है. थ्रोट भी रिकवर हो चुकी है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही मतलब कम है अब दर्द, फील भी नहीं हो रहा इतना, मतलब हल्का फुल्का हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा. सही है, मतलब एट द एंड अब सही हो गया. ट्यूशन खत्म हो गई. हाँ हो गई, तो धीरे क्यों बोल रही है? मॉर्निंग गुल्लू. गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मजा आया आज? कितने बजे उठ गए? झूठ मत बोलना, कितने बजे उठे? झूठी. तो नॉइंग इनके फोन की रिंगटोन बहुत ज्यादा. 5 बजे गई थी अब राइड के लिए, हमको नहीं बताया, हम तो 5 बजे उठे थे. 3 दिन से राइड की बात हो रही है, कल बोला कि 5 बजे गए, कुछ नहीं गए. आज भी बोल रहे 5 बजे गए, कुछ नहीं गए हैं ये लोग. झूठ बोल रहे मेरे को, रामी को. बस आज रामी की क्लास नाना जी ले रहे हैं और मेरे को बात ही डांट पड़ चुकी है. मस्त सब ड्रॉइंग रूम में एसी चला के बैठे हुए, मजे मार रहे हैं. मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं, नाना जी रामी को पढ़ा रहे हैं, मैं बस आके वैसे ही बैठा देख रहा हूँ सबको क्या हो रहा है क्या नहीं, और डांट खा रहा हूँ. 2:13 द इवनिंग, मैं सोफे पे बैठे बैठे अचानक से लेट के सो गया, पता नहीं कब आंख लग गई मेरी, बट बहुत प्यारी नींद आई, एकदम ठंडे से बस कंबल की कमी थी. बट हाँ अभी सो के उठा हूँ, अब देखते क्या करना है. भूख लग रही है, पहले पानी पीते फिर कुछ खाते हैं, और आंखें खोलते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन काम वो है. मैं और रामी भी केक खरीद रहे, उस दिन गाड़ी का आया था, अभी तक बचा हुआ है, अभी दीदी को दिया है गर्म करने के लिए, तब तक चम्मच भी बचा है ना. है कौवा अच्छा तो क्या चटनी बन गया, पहले कितना उबला हुआ था, तो देखो कैसे केक बन गया, ये चॉकलेट चटनी हो गई है. तो अभी दीदी और मेरी लड़ाई हुई है सिर्फ एमी की वजह से, कल इसने कल भी केक खाया, आज भी खाया, मेरा इतना मन था केक खाने का, मेरे से केक छीना गया बकायदा, और खा रहे बेटा मेरा हिस्सा ठूसा, छीन के ठूसा है एमी ने मेरे को, तुमने छीना. आज झूठ मत बोलो, वो साइड आपने मेरी साइड से भी उठाया, खाया इसने मेरा केक, खा लिया मेरे को, कल भी खाया इसने, आज भी खाया, मतलब मेरे को मिला ही नहीं. तो क्या हुआ है, मैं ना खाऊ क्या, आप भी खाती रहोगी? अब आने दे, अब पेस्ट्री डोनट कुछ भी आएगा ना, एक बाइट नहीं दूंगा, तेरा होगा या मेरा होगा, मैं सारा छीन लूंगा. और ये हर बार करूंगा रोज, एक बार नहीं हर बार करूंगा. अब ले ले मजे. अभी पापा का कुछ वॉकी टॉकी का था, पापा को वॉकी टॉकी चाहिए होते ना, तो एमी और मेरे लिए वॉकी टॉकी आ गया, मतलब वॉकी टॉकी घर में लाया, तो मेरे पास मैंने एक एमी को दी और मैंने अपने लिए निकाल लिया. हेलो एमी, आवाज आ रही है? वो बटन गुल्लू गुल्लू कहाँ है? ये जो बटन है ना, ये वाला. अरे हाँ इसको, हाँ इसको. सबको समझ रहे होगे. हेलो हेलो भाई साहब, ओवर हेलो. रे बेटे मौज कर दी. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. क्या आवाज आ रही है मुझे? एमी बटन दबाओ अच्छे से. दबाया होगा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही. आपकी आ रही है. चैनल कौन सा आपका? 16 पे करो. हाँ 16 पे. हेलो रुक जा, अपना दिखा. हेलो हेलो हेलो, ये पकड़, ये वाला से बोल, ये बटन, ये वाला बटन, ये वाला बटन है ना. अब तो जब राइट लाइट चले तब बोल. रुक जा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड. हेलो आवाज आ रही है हमारा कहीं? एमी बटन दबा के रख, बटन दबा के बोल. एमी रेड लाइट जल रही है तो बोल ना. हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है. कैसे हो एमी भाई? बैटरी किसकी चेंज हुई है? एमी बाहर वॉकी टॉकी लेके आ. एमी बाहर वॉकी टॉकी लेके आ. हाँ बाहर लेके आ. बाहर वॉकी टॉकी लाने के लिए कह रहा हूँ. पास क्यों आ रही है, दूर जाना. अरे उधर उस कमरे में जा. बोल
लीजिए आपकी अमानत है। गले में लो, आपने दीदी का फोन ले लिया, गले में लो, गले में लो, गले में लो। इतने सालों से जो चीज नहीं हो पाई वो आज हो गई, दीदी का फोन गया, अब काम में ध्यान लगेगा इनका। मेरा क्यों लोगे, मेरा तो काम धंधा इससे चलता है, उनका कहा चलता है, वो बुइया बुइया करने में लगी रहती है पूरे टाइम, फ्री फायर है? थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जा बेटा, थोड़ा सा आ जा लाइन पे, परसों से एग्जाम्स है, कोई ना से नहीं होती जिंदगी चली। अरे चिल करो यार। नहीं चिल, हमने भी की है, हमने भी अपना पैशन ही फॉलो करे, एटलीस्ट हमने पढ़ाई तो करी है। तो कर तो रहा हूँ, सुबह ट्यूशन तो करी। मम्मा 5:30 बजे उठा, उसके बाद फिर मैं एडिट अपलोड करके 8:30-9 बजे सोने गया हूँ, थोड़ी देर 2 घंटे सो गया, ट्यूशन करने जाता था अभी टाइम पे, चौथी बार डांट में पड़ा। फोन तो तब भी गया, मैं तब भी ले लूंगी। आमी क्या गया, फोन करियो, फोन तो तब भी गया। मेरी जेब जेब कट रही है क्या बार बार, मम्मा जेब मार रही है। मत कर दीदी, समझा लो, समझ मत कर, हमें रिमोट नहीं दूंगा, रिमोट नहीं दूंगा। खत्म हो जाए इनका बंगाली सीरियल, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, बड़ी देखी। मम्मा वो 3 दिन से सुबह सुबह ही जा रहे, तुम नहीं जा। चलो बाय, सुबह सुबह हो रहा, आज भी राइड कैंसिल। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाँ भूत, अरे माता आ गई। ये भूत हंसता क्यों है, भूत ये भूत हंस क्यों रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आया, भैया ये घास काट रहे थे, पैटर्न बना के काट रहे, पहले इधर से उधर सीधा गए, जबकि इधर का पूरा काट के फिर आगे जाते, बट नहीं ये थोड़ा अलग ही पैटर्न से काट रहे भैया घास। इधर दो क्या है, आमी जे तो मगा दे, आमी जे तो पागल हो गई ये लड़की, बहुत बड़ी वाले नौटंकी। चंद्रमुखी आ जाएगी तेरे अंदर, चंद्रमुखी। हमने प्रॉमिस किया चंद्रमुखी, मैंने राम से बोला चंद्रमुखी। ये तेरी दोस्त की धमकी और आज दूसरे मतलब ब्लॉग तेरे अंदर चंद्रमुखी, मैं बोल रही बाल खोल के घूम रहे ना, घूम तेरे बाल में बांधने दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। आई नो प्रॉब्लम ना, नीचे तेरा भाई लेके जाएगा। हाँ, ओके नो प्रॉब्लम, लेके जाऊंगा। हाँ, बोल दो ओके नो प्रॉब्लम, बोलना अब। यस प्रॉब्लम, माशाल्लाह। नहीं हो तुम सुबह से? मौसम अच्छा हो रहा है, आमी और दीदी अभी जस्ट नीचे गए, मेरा नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं तो घर पे आराम से आराम करूंगा आज संडे, क्योंकि वैसे कहीं जाने का प्लान नहीं, तो घर पे ही रहते हैं आराम से भी, मतलब नीचे जाके भी क्या करे रेगुलर, आज घर से ही व्लॉग करेंगे पूरे टाइम। वो पिंक वाली की बच्ची जहाँ अभी चढ़ी है ना, वो आमी है। वैसे हवा बहुत ही अच्छी आ रही, तो मैं एक काम करता हूँ, विंडो खोल के बैठा रहता हूँ आराम से, और फिर मूवी वूवी देखते, बट आज थोड़ा संडे चल ही रखते हैं, क्योंकि कुछ करने को है नहीं, जाली लगा देता हूँ, कुछ करने को है नहीं, बट ये भूख बहुत तेज लग रही, तो कुछ खाने वाने का भी अपना इंतजाम करता हूँ, कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। वो रही आमी, वो आगे जाए जा रही भाग गई आगे। मम्मा ने मना किया घास फूस में नहीं खेलना, घास ये गार्डन साइड नहीं जाना ज्यादा, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट का सीन, और अभी वहीं झाड़ी साइड जा रही है मम्मा या दीदी। आज दीदी, अभी दीदी को बोलता हूँ यार कि ना लेके जाए उसको, ऐसे वो ना जाने दे, वैसे बिना बताए भाग जाती है ये देखो भाग। ठीक है खेल रही है, समझ में आता है यार, बट एक बार बोला भी है ना डर लगता है, इसलिए मैं दीदी को एक बार कॉल ही कर देता हूँ, दीदी इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले आओ, वहाँ खेलने वो, क्योंकि सांप आपका थोड़ा डर रहता है। वैसे ना आप में से बहुत लोगों को आमी का रियल नाम पता नहीं होगा, आमी तो हम सब घर वाले बुलाते हैं, अब आप लोग भी आमी से जानते हो उसको, वैसे उसके दोस्त नीचे उसको अमायरा बुलाते, क्योंकि उसका रियल नेम तो अमायरा घई है, बट उसको आमी हमने घर का नाम रखा था, आप सबके मुंह पे यही चढ़ा है, तो अमायरा हम कभी कभी बुलाते, वैसे तो आमी ही है उसका नाम। आप लोगों को अगर आमी बुलाना आमी बुला लो, अमायरा बुलाना अमायरा बुला लो, जैसी आप लोगों की मर्जी, हम तो आमी बुलाते हैं, हमें अच्छा लगता है आमी नाम, मस्त हुआ है यार ये मौसम, अगर बारिश हो जाए ना बस मजा आ जाए, फिर तो मैं चाय बना के बैठ जाऊंगा यहाँ, अभी चाय पीने का मन है, बट एट द सेम पॉइंट अगर मौसम अच्छा है बट चाय पी सकता हूँ मैं, ऐसे बैठते अभी नींबू पानी पिया, वो इतनी बर्फ डाल देना मैं नींबू पानी, और सिर में थोड़ा वो मतलब अटाक से दे रहा है एकदम, सिर गरम गरम से कर रहा है, दिक्कत हो रही है मेरे को। इतने दिनों बाद इतने अच्छे से रील्स बनाने का सोचा, क्योंकि इतने सारे आइडियाज आ गए थे ना, तो अभी मम्मी पापा के रूम में बैठे मैं रिंग लाइट ले आया, और यहाँ एक दो रील्स बना ली मैंने, अच्छे अच्छे कंटेंट बना लिए, आने वाले एक दो दिन का स्टॉक हो जाएगा पूरा। अब तो सनसेट भी हो चुका है और अब हवा भी चलने बंद हो गई, इसलिए मैंने पंखा ही चला लिया, मैंने कहा छोड़ो यार अब गर्मी में कौन सा, क्योंकि पसीने पसीने आना शुरू हो गए थे, और मेरे हल्का हल्का सिर में दर्द वापस शुरू हो चुका है जब से मैंने नींबू पानी पिया, तो मैं और नहीं पीऊंगा, और भूख बहुत तेज लग रही है, तो अगर चेक करता हूं अगर मैगी है तो मैगी बनाएंगे, कल दीदी ने मैगी बना, तो मैगी होनी चाहिए मेरे ख्याल से यार।
दीदी लाई कहाँ से? दीदी एक तो चीजें ना इतनी छुपा के रखती ना कि इंसान ढूंढते पागल हो जाए, लेकिन उसको मिले ना। फिर उन्होंने मैगी कहीं पक्का छुपा के रखी और वो मेरे को पता नहीं है। ये लो भाई साहब छुपा के रखा हुआ रस का पैकेट, और इतने दिनों से मैं रस के लिए पूछ रहा हूँ तो मेरे को नहीं मिल रहा। यहाँ रस का पैकेट एकदम सील्ड पैक छुपा के रखा हुआ है, बट कोई ना मैगी नहीं मिली। तो अब चाय पी के काम चला था, और मैं ना जब भी कुछ सॉलो कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ वैसे भी बहुत अजीब सा गले के अंदर से टेस्ट आ रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। उस दिन मैं ये बताना भूल गया, जब मैंने लास्ट पॉपकॉर्न खाया था ना, तो पॉपकॉर्न का जो वो ऊपर कुछ वो उसके दाने के ऊपर कुछ सील टाइप होती ना, वो पतली सी वो क्रंची टाइप मैं कभी कभी फंस जाती है, वो तब से यहीं चिपकी हुई है, वो हटी नहीं रही। पता नहीं क्या हुआ है, वो उस चक्कर में मेरे को लग रहा है मेरा गला खराब हुआ है कुछ हुआ, क्योंकि वो हटी ना मेरे को भी फील हो रहा है अंदर कुछ है, यहाँ है फंसा हुआ। अब वो क्या है मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे को डाउट तो उसी चीज पे है। आज हम चाय इस ग्लास में पियेंगे एकदम टपरी वाली फील लेने के लिए, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन डिजाइन वेदर थोड़ा बड़ा तो हाँ ठीक है, वैसे चाय पीने के लिए सही तो होगा। कोई ना ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने ना इस कांच वाले में डाल के ना गलती कर दी, क्योंकि बहुत गर्म हो गया, हैवी पतला सा, और वो जो टपरी वाली फील वाले ग्लास होते हैं वो होते हैं मोटे से, और हमारे पास वो है, और हाँ इसमें फर्क पता चल रहा है, मोटा है और वो पतला है। तो मैंने गलती कर दिया एक्चुअली यार, मेरे को अब डर है फट ना जाए ग्लास। तो एक काम करता है अपने नॉर्मल कांच वाले में डाल लेते हैं, अब टपरी वाली फील नहीं ले पाएंगे यार, रिस्क उठा लूंगा वरना मैं अपनी जान से। ना क्या हो चुके, हम रेडी एकदम चंपू वाला वापस हेयर स्टाइल कर लिया है मैंने, ऑल्दो मेरा बहुत अभी भी मन कर रहा है ये साइड्स पूरी ट्रिम कराने का, मतलब एकदम बड़ सी गई है, बट एट द सेम पॉइंट अभी भी मन कर रहा है बढ़ा लू। तो यार मैं ना अभी भी कंफ्यूज हूँ इस डिसीजन को लेके, बढ़ाऊं या कटाऊं। आज करने ना ये है पास्ता, कढ़ाई भर के बना दिया दीदी ने आज पास्ता। ये एमी की, ये सॉरी एमी आपको कौन सी प्लेट चाहिए जल्दी बता। ये लो आपकी प्लेट। आज तो भैया पास्ता पार्टी हो गई, एकदम कढ़ाई भर के बनाया। अब तो सुबह ब्रेकफास्ट में भी यही खा लूंगा मैं अगर बच गया तो। घर में कोई कम ड्रामेबाज नहीं है। अभी दीदी और मेरी बात चल रही है ठीक है, पीछे से एमी आके नमस्ते। तो इतनी देर से हम ये माइक वॉकी टॉकी से हम दीदी को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तभी प्लान ये है, दीदी हमें बार बार पकड़ रही है, तो मैंने क्या किया एमी के बाल खोल दिए घूम एमी, और मैंने इधर एमी के माइक लगा दिया और बालों से छुपा रखा है। तो वहां जाके अभी ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाएगी जहाँ दीदी है, और मैं वहां जाके चिल्लाऊंगा बहुत तेज। बोली दीदी, बोली दीदी, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा कौन नहीं जाना रे। सीरियस नोट, बहुत मजे हो गए, और कुछ लोगों को लगेगा स्क्रिप्टेड है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं ऐसी मजे का आटर है ठीक है, बोर हो रहे थे तो मैं ऐसी हरकतें करने लग गए। वेल आज का ब्लॉग यहीं एंड करते, थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेज ब्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। दिस इज वी बॉय K1 साइनिंग ऑफ, एंड कल का ब्लॉग आज देख लेना, बाय। एक्चुअली मैं रोज 11 बजे के अराउंड, मतलब 10:50 या 11 बजे के अराउंड ब्लॉग एंड कर देता हूँ, आज भी वही टाइम हो रहा है 10:52 हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग एंड करने की सोची। बाय। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा वो नहीं जाना रे।